Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to look at the current affairs for the second week of March, that is from 8th of March to 14th of March. So in these video series, what we are trying to do, we are trying to tell you what kind of questions can be asked in the exam. है ना, हमको ये देखना है कि किस चीज के ऊपर अपने को फोकस करना है ना, सब कुछ याद नहीं करना है, किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट विल ट्राई टू एक्सप्लेन, है ना। तो हर एक न्यूज पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूज में आपको किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर एक पॉइंटर के बाद मैं बताते जाऊंगा कि यार इस पॉइंटर पे किसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल्सो ग्रैमी अवार्ड्स अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए थे, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कब शुरू हुए, क्या हुए, एंड ये साल के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स विनर कौन है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड्स। सो ग्रैमी अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड, है ना, 63rd, कौन से ग्रैमी अवार्ड्स है, 63rd ग्रैमी अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड एट लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर ऑन 15th of March। द अवार्ड होस्टेड बाय ट्रेवर नोआ वर ओरिजिनली सपोज टू बी एयर्ड ऑन 31st जनवरी, है ना। पहले वो 31st जनवरी को होने चाहिए थे, बट वो डिले ड्यू टू द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक, है ना। तो इसमें हमको क्या ध्यान में रखना है कि यार कौन सा ग्रैमी अवार्ड था, तो 63rd ग्रैमी अवार्ड था, कहाँ पे हुआ, लॉस एंजलिस में हुआ, एंड किसने होस्ट किया, ट्रेवर नोवा ने, ठीक है। द ग्रैमी अवार्ड ऑनर्स म्यूजिकल आर्टिस्ट कंपोजिशंस एंड एल्बम्स अक्रॉस 84 कैटेगरीज, है ना, म्यूजिकल आर्टिस्ट कंपोजिशंस एंड एल्बम्स, है ना। ये ऑस्कर जैसा मूवी के लिए नहीं है, ये म्यूजिकल आर्टिस्ट कंपोजिशंस एंड एल्बम्स इनके लिए है ना। एंड टोटल कैटेगरीज इसमें कितने हैं, 84, है ना। जो जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। द ट्रॉफी डिपिक्ट्स अ ग्लाइडेड ग्रामोफोन, है ना, ये ग्रैमी अवार्ड की ट्रॉफी है हमारी, तो ऐसी दिखती है ये, कैसी है ये, ग्लाइडेड ग्रामोफोन है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फोर मेजर एनुअल अमेरिकन एंटरटेनमेंट अवार्ड, है ना। क्या ग्रैमी अवार्ड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फोर मेजर एनुअल अमेरिकन एंटरटेनमेंट अवार्ड अलोंग विद द एकेडमी अवार्ड्स। एकेडमी अवार्ड्स किसके लिए, फिल्म के लिए, एमी अवार्ड्स जो टेलीविजन के लिए, एंड टोनी अवार्ड्स जो थिएटर एंड ब्रॉडवे के लिए, एंड ग्रैमी अवार्ड्स किसके लिए, म्यूजिकल आर्टिस्ट एंड कंपोजिशंस के लिए, ठीक है। द फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 4th of May 1959 टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट द म्यूजिकल अकम्पलिशमेंट ऑफ परफॉर्मर्स फॉर द ईयर 1958, है ना। तो पहले ग्रैमी अवार्ड्स कब हुए थे, 1959 में हुए थे, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर, जो जो मैंने अंडरलाइन किया है ना। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप पॉज करो एंड लिख के रखो अपने पास। करंट अफेयर्स आर वेरी वोलेटाइल, है ना, तुम आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, तो उसके लिए आपको ये सब कुछ लिख के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी 63rd ग्रैमी अवार्ड के विनर्स कौन कौन है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई हैव वांटेड, इट वाज वन बाय बेली एलिश, है ना। अभी देखो ना, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ, है ना, वो मेरा नाम नहीं प्रोनाउंस कर सकते, तो मैं उनका नाम नहीं प्रोनाउंस कर सकता, है ना। एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर बाय टेलर स्विफ्ट। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ बाय डर्नस्ट एमिली HER एंड टियारा थॉमसन, सॉन्ग राइटर्स HER। बेस्ट R&B परफॉर्मेंस ब्लैक परेड बियॉन्से। बेस्ट R&B एल्बम बिगर लव जॉन लीजेंड। बेस्ट रैप एल्बम किंग्स डिजीज नास। नास वो पिक्चर थी ना, कौन सा, अपना टाइम आएगा, कौन सी पिक्चर थी वो, गली बॉय, है ना। तो वो जो रैपर रहता है, जो फॉरेन से रैपर आने वाला रहता है, वो नास ही रहता है। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस सैवेज थ्री स्टैलियन फीचरिंग बियॉन्से। बेस्ट कंटेम्प्रेरी क्रिश्चियन म्यूजिक एल्बम जीसस इज किंग बाय काइने वेस्ट। बेस्ट म्यूजिक वीडियो ब्राउन स्किन गर्ल बाय बियॉन्से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, टोटल कितने ग्रैमी अवार्ड के कैटेगरीज है, टोटल कैटेगरीज है 84। सारे के सारे याद रह पाएंगे क्या, नहीं रह पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी वन लाइनर्स पे आते हैं। इंडियन रेसलर बजरंग पुनिया हैज रीगेन्ड हिज वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग आफ्टर क्लिंचिंग सेकेंड सक्सेसिव गोल्ड मेडल एट द मैटियो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यार
Which Indian wrestler has regained world number one position after clinching second successive gold medal at Matthew Pelicone ranking series? तो बजरंग पुनिया, या फिर बजरंग पुनिया बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? रेसलिंग, है ना? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड ऑन 8th ऑफ मार्च दैट इट हैज डिसाइडेड टू क्लासिफाई ऑल इट्स मेजर प्रोग्राम अंडर थ्री अम्ब्रेला स्कीम्स, है ना? तो कौन से स्कीम्स है? मिशन शक्ति, ये किसके लिए? एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन. देन मिशन पोषण 2.0, ये डेफिनेटली न्यूट्रिशन प्रोग्राम रहेगा बिकॉज दिस वर्ड पोषण इज क्वाइट डिस्क्रिप्टिव, इट वो बताएगा आपको क्या मीनिंग है. एंड मिशन वत्सल्य, चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन सर्विस, है ना? तो चाहे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने क्या इन्फॉर्म किया कि सारे जो भी प्रोग्राम्स हैं इट विल नाउ बी क्लासिफाइड इनटू थ्री अम्ब्रेला स्कीम्स, मिशन शक्ति, मिशन पोषण, मिशन वत्सल्य. ठीक है, मिशन शक्ति किस चीज के लिए है, मिशन पोषण किस चीज के लिए, मिशन वत्सल्य किस चीज के लिए, आपको पता रहना चाहिए. एविएशन मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ पैसेंजर फ्लाइट टू बरेली फ्रॉम दिल्ली, बरेली एयरपोर्ट फ्रॉम दिल्ली. ठीक है, बरेली एयरपोर्ट टिल नाउ डूड नॉट हैंडल कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन एंड वॉज ओनली एन एयरबेस फॉर इंडियन एयरफोर्स, है ना? तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट था जो पहले इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस था एंड अभी कमर्शियल फ्लाइट्स भी टेक ऑफ होती है वहां से? ऐसा एयरपोर्ट है बरेली एयरपोर्ट, है ना? रिसेंटली इट हैज बीन कन्वर्टेड. आईपीएल 2021, इट विल स्टार्ट ऑन 9th ऑफ अप्रैल 2021 इन चेन्नई, है ना? द क्लैश विद द ओपनिंग क्लैश बिटवीन डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड फाइनल कब है? 30th ऑफ मे. ठीक है, द इंडियन रेलवेज हैज इमर्ज्ड, ऑल रेलवे हेल्प हैज मर्ज्ड, है ना? इंडियन रेलवे ने सारे हेल्पलाइन नंबर्स को मर्ज करके एक सिंगल नंबर बना दिया है 139, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि यार कौन सा नंबर पे अभी इंडियन रेलवे के सारे हेल्पलाइन नंबर्स मर्ज होके 139 कर दिए फॉर ऑल क्वेरीज कंप्लेंट्स असिस्टेंस एंड क्विक ग्रीवेंस रिट्रेसल ड्यूरिंग द जर्नी. ठीक है, द मैत्री सेतु ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर फेनी रिवर. किस रिवर के ऊपर बन रहा है? फेनी रिवर. किसके बीच में है? इंडिया एंड बांग्लादेश. विच फ्लोज बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडियन बाउंड्री त्रिपुरा, है ना? फेनी रिवर कहाँ से फ्लो करती है? बांग्लादेश एंड इंडियन बाउंड्री त्रिपुरा, है ना? तो ऐसा पूछेंगे कि यार मैत्री सेतु बनाया है इंडिया बांग्लादेश में, फेनी रिवर पे जाता है, तो वो फेनी रिवर बांग्लादेश एंड विच, मतलब इंडिया के कौन से स्टेट के बाउंड्री के पास आता है? तो वो त्रिपुरा के पास आता है. ओके, कौन से स्टेट बाउंड्री के पास आता है फेनी रिवर? तो त्रिपुरा के पास आता है. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको. ठीक है, देन अमिताभ बच्चन टू बी कंफर्ड विद 2021 फिल्म आर्काइव अवार्ड, है ना? किसको मिलने वाला है? अमिताभ बच्चन. ठीक है, लेजेंडरी फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन एंड मार्टिन सोरोस्की विल प्रेजेंट द प्रेस्टिजियस अवार्ड टू अमिताभ बच्चन, है ना? ये कौन देने वाला है उनको ये अवार्ड? क्रिस्टोफर नोलन एंड मार्टिन सोरोस्की. ठीक है, द आइकोनिक फिल्म मेकर्स हैव देमसेल्व्स बीन प्रीवियस रेसिपिएंट्स ऑफ अवार्ड्स, है ना? तो ये जो लोग हैं इन्होंने प्रीवियसली खुद ने भी अवार्ड जीते हुए हैं. सेम कौन से? फिल्म आर्काइव अवार्ड्स. ठीक है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल स्टेटेड ऑन मार्च 9, 2021 दैट दिल्ली विल बिड टू होस्ट 2048 ओलंपिक्स, है ना? तो विच सिटी हैज बिडेड टू होस्ट 2048 ओलंपिक्स? दिल्ली. विच इंडियन सिटी? दिल्ली. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि एज अ सिंगल नॉन लैप्लेसेबल रिवर्स फंड. द फंड विल इंश्योर एनहांस एक्सेस टू यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर थ्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ ईयरमार्क रिसोर्सेज, है ना? ये वाली चीज ध्यान में नहीं रखनी है. ठीक है ना, द रीजन वाई आई इंक्लूडेड दिस न्यूज वॉज कि आपको पता चले कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. अभी ये वाले इसमें क्या है? ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तीरथ सिंह रावत हैज बिकम द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड. 9th चीफ मिनिस्टर कौन बना उत्तराखंड का? तीरथ सिंह रावत.
भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन है ना, कोवैक्सीन किसका है? भारत बायोटेक का। आउट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल मोड ग्रांटेड रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन। नीति आयोग मेंबर फॉर हेल्थ डॉक्टर वीके पॉल कंफर्म दैट बोथ कोविड-19 वैक्सीन्स कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट है ना, जो आदर पूना वाला की कंपनी है। तो कोविशील्ड किसका है? सीरम इंस्टीट्यूट का। एंड भारत बायोटेक किसका है? भारत बायोटेक का कौन सा है? कोवैक्सीन। हैव द सेम लाइसेंस स्टेटस नाउ। द वेटरन बैटर ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम मिथाली राज ऑन मार्च 2012 बिकेम द फर्स्ट वुमन क्रिकेटर, फर्स्ट इंडियन वुमन, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू कंप्लीट 10,000 इंटरनेशनल रन्स अक्रॉस ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स। ठीक है, शी हैज ऑल्सो बिकम द सेकेंड वुमन क्रिकेटर इंटरनेशनली टू अचीव द माइलस्टोन। तो पहले कौन थी? फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन चैरलेट एडवर्ड्स है ना, कैरोलेट एडवर्ड्स जो थी, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 10,000 इंटरनेशनल रन्स अक्रॉस ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स। सिर्फ एक कोई फॉर्मेट में नहीं, ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स। तो फर्स्ट थी कैरोलेट एडवर्ड्स एंड सेकेंड है मिथाली राज एंड फर्स्ट इंडियन वुमन कौन है? वो भी मिथाली राज। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ इन्फॉर्म्ड ऑन मार्च 2010 दैट अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट, अर्जुना सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट वर्थ 2600 करोड़ विल ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द फार्मर्स ऑफ हमीरपुर महोबा एंड बंदा इन द बुंदेलखंड रीजन है ना। तो ये जो अर्जुना सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से रीजन के लिए? बुंदेलखंड रीजन के लिए। उसमें कितने अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं? ये 2600 करोड़। ये अपने को ध्यान में नहीं रखना है। इसके ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि यार अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट में कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है कि यार वो किस एरिया के लिए रहेगा, या फिर ये एरिया के लिए कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है? अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। गवर्नमेंट लॉन्चेस मेरा राशन राशन मोबाइल ऐप है ना, कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मेरा राशन। द बेनिफिशरीज विल बी एबल टू यूज मेरा राशन ऐप टू आइडेंटिफाई द नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप एंड चेक डिटेल्स फॉर देयर एंटाइटलमेंट एंड रिसेंट ट्रांजेक्शंस। इसमें मतलब तुम फेयर प्राइस, नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप ढूंढ सकते एंड एंटाइटलमेंट एंड रिसेंट ट्रांजेक्शंस उनके क्या हुए हैं वो सब आप देख सकते हैं। कहाँ पे? मेरा राशन ऐप में। द जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑन मार्च 13, 2010 लॉन्च गाइडलाइंस द फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है ना, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अभी नए गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क डिजाइन किए हैं किसके लिए? मॉनिटरिंग टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। फिर पूछे कि हु इज द जल शक्ति मिनिस्टर, तो फिर अपने को आंसर देना है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, रेनाउंड आर्टिस्ट एंड पद्म भूषण अवार्डी लक्ष्मी लक्ष्मण पाई पास्ड अवे एट हिज रेसिडेंस इन गोवा ऑन मार्च 14, 2021 है ना। तो लक्ष्मण पाई टू विच फील्ड ही बिलोंग्स टू? ही वॉज अ पेंटर और ही वॉज एन आर्टिस्ट है ना। उसका रेसिडेंस कहाँ पे था? गोवा में। ठीक है, भवानी देवी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन फेंसर है ना, फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स है ना। कौन क्वालिफाई हुआ? भवानी देवी। किस स्पोर्ट को बिलोंग करती है भवानी देवी? फेंसिंग को। ठीक है, द 27-year-old रिजर्व हर स्पॉट इन द टोक्यो ओलंपिक 2020 है ना। टोक्यो ओलंपिक 2020 था, 2020 में ही टोक्यो ओलंपिक हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। अभी कब होने वाला है? 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा एंड 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। थ्रू द एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग मेथड है ना। तो वो भवानी देवी वो क्वालिफाई कर दी है फेंसिंग के लिए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए, जो कंडक्ट होने वाले हैं जुलाई से अगस्त के बीच में। ठीक है, द पैरालंपिक्स विल टेक प्लेस फ्रॉम 24 अगस्त टू 5 सितंबर है ना। जैसे ही ओलंपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे पैरालंपिक्स हो गए, वो भी कहाँ पे हो गए? टोक्यो, टोक्यो जापान। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है, नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है? टोक्यो में होने वाला है ऐसा, ठीक है? सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन एनी वन ऑफ दीज थ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विजिट अवर वेबसाइट tarkashastra.co.in और सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन एनी वन ऑफ दीज टू नंबर्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद।